हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और अहम है। मैं उन मदर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अपने बच्चों की सेहत के बारे में और कमेंट में पूछती रहती हैं कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं जिससे हमारे बच्चे सेहतमंद हों, तो हम बात करेंगे 6 माह से लेके 3 साल के बच्चों की भूख के बारे में, भूख ना लगने की वजूहात और भूख बढ़ाने की गिज़ाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो बहुत से वालदैन समझ नहीं पाते हैं कि इनके बच्चों को भूख क्यों नहीं लग रही और वो क्या करते हैं, बच्चों को भूख लगने की सिरप देना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। बच्चे को जब भूख लगेगी तो वो खुद ही से खाना शुरू कर देगा। बस इतना ख्याल करना चाहिए कि बच्चों को सब्ज़ी, फल और अनाज शुरू से खिलाने की आदत करनी चाहिए और बच्चों को जो है हमेशा जंक फूड से दूर रखना चाहिए, उनको जंक फूड नहीं देना चाहिए। और बच्चों को जो है अगर ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत होती है तो वो दिन ब दिन जो है कमज़ोर होते चले जाते हैं। अच्छा, पहली बात यह कि बच्चे को भूख ना लगने की वजह ये भी हो सकती है कि बच्चा सारा दिन जो है मीठे मशरूबात पीता है या फीडर पीता है पूरा पूरा दिन, तो इससे भी जो है बच्चों को भूख नहीं लग सकती। तो कोशिश करें बच्चों को सिर्फ दिन में 2 मर्तबा दूध दें, एक सुबह के वक्त और एक रात को जब आप बच्चे को सुलाते हैं। तो उन प्यारी मदर्स के लिए जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और फल नहीं खा सकते, तो फलों को स्टीम करके कैसे खिला सकते हैं इसकी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक अदद आड़ू लिया है और 2 अदद मैंने एप्पल लिए हैं। ये एप्पल का मैंने छिलका उतार लिया है, ठीक है। अभी दूसरा भी हम लोग इसी तरह जो है इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरीके से जो है छिलका उतार लेना है और अब जो है मैं आगे का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, एप्पल के जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं हमें, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोग टुकड़े कर लें एप्पल के। अब इसका आगे का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने जो है तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो है दूध लिया है और इसको मैंने जो है हल्की आंच पे जो है ना मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्लेम रखा है, अपना हल्का फ्लेम रखा है ताकि जो है दूध हमारा हल्का हल्का गर्म हो जाए। अब ये बाकी चीज़ें जो हमने फ्रूट कटिंग किए थे ये हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन इसे जो है हम लोग 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, बस हल्का सा जो ये नरम हो जाए। फ्रेंड्स, अब ये जो है पक चुका है, अब इसका आगे का तरीका आपको बताऊंगी कि अब हमें क्या करना है। इसे जो है मैं बीटर की मदद से जो है बिल्कुल इसको लिक्विड बना दूंगी, एक लिक्विड हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए जो है ये एक पुडिंग तैयार हो चुकी है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है ये और विटामिन से भरपूर। तो आप अपने बच्चों को ये जरूर देना शुरू करें, इससे आपके बच्चों को जो है भूख भी लगेगी, आपका बच्चा हेल्दी भी होगा और बच्चों को विटामिन्स भी मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा और साथ में जो है अगर इसका मजीद इसका टेस्ट अच्छा करना चाहते हैं आप, तो इसमें आप 1 चम्मच हनी मिला सकते हो, ठीक है, ताकि बच्चे जो है शौक से जो है ये खा ले। और 1 चम्मच मैंने इसमें हनी मिला दिया है। तो अब मैं जो है इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।